दो दिन में आकर ठिकाने आ जाएगी उसकी। अपना फैसला ले लिया। हर चीज में बीच में आके आप सबको ठीक नहीं कर सकती कि कलेश का दूसरा नाम है कीर्ति। और उनका फैसला पत्थर की लकीर होता है। पूरा परिवार सब कुछ खत्म हो जाएगा। शब्द शिमारू के नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले। किस्मत की लकीरों से अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? भाभी आप इसी से पूछिए ना, ये हमारे कमरे की सफाई कर रहे थे और हमारा हाथ साफ कर लिया। मम्मी जी अभी बस हमें ये पता है कि वो गरीब है इसलिए बुआ जी उसे चोर बोल रही है। बुआ जी एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से अच्छा है हम तलाशी ले लेते हैं ना। शांत हो जाओ तुम। अगर तुम ऐसे टूट गई तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? कितनी आसानी से कह दिया उसने कि वो घर छोड़कर जाना चाहती है। मैंने अपने मम्मी पापा को इतना शर्मिंदा होते हुए आज तक नहीं देखा, वो भी मेरी बहन के कारण। ताऊजी और ताईजी की हालत देखिए ना, क्या गुजरेगी उन पर अगर वरुण जी और कीर्ति घर छोड़कर चले गए तो। जितना मैं तुम्हारी बहन की हरकतों को जान पाया हूं उससे कहीं ज्यादा मैं अपने भाई को जानता हूं। ताई जी ताऊ जी को कभी छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। नहीं नहीं, हमारा बेटा हमसे दूर नहीं हो सकता। हमें पूरा भरोसा है कि वो कीर्ति को जरूर समझा लेंगे। भाई साहब भाभी ठीक है, वरुण कीर्ति को जरूर समझाएगा। वो ये घर और हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और अगर बहू जी ने वरुण जी को समझा दिया फिर मैडम की तो निकल पड़ी। उसके बाद स्वीटू जी अपने पति जी को रानी बन के घुमाती रहेंगी। अजीब बड़ा रानी बन के घुमाएगी। यहाँ पर ना रानी वो सिर्फ और सिर्फ ताई जी की वजह से थी, क्योंकि ताई जी सब कुछ हैंडल कर लेती हैं। वरना जब अकेले सब कुछ संभालना पड़ेगा ना तब उसे पता चलेगा। दो दिन में आकर ठिकाने आ जाएगी उसकी। अरे नहीं, तुम देखना उसको कैसे लपक के ना नौकरानी रखेगी वो। हाँ तो फिर उसी नौकरानी को लेकर आ जाएगी ना सलोनी चोरनी कहीं की। लेकिन एक बात का ना मुझे भरोसा है, ये भाभी ना चाहे कितना भी ड्रामा कर ले लेकिन वरुण भैया ना हम सबको और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है जब कभी स्कूल वाले हमें हफ्ते भर के लिए कहीं बाहर लेके जाते थे ना दो दिन में वरुण का रोना स्टार्ट हो जाता था कि उसे जल्दी घर जाना है। इतना जुड़ा हुआ है वो घर से और घर वालों से। ताई जी में तो उसकी जान बसती है, कहीं नहीं जाएगा वो। वरुण को रिश्तों की अहमियत पता है, देखना वो सब ठीक कर देगा। तुम बस टेंशन मत लो। मैंने बहुत कोशिश की मम्मी, और कीर्ति ने अपना फैसला ले लिया। हम दोनों इस घर को छोड़ के जा रहे हैं।
इसने तो बॉल बिल्कुल मैदान से बाहर ही फेंक दिया। मम्मी, हमने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। तो पापा, मुझे भी लगता है कि इसमें कीर्ति पूरी तरह से गलत तो नहीं, बस यह सोच अलग है। वैसे भी इस घर में बड़े तो बड़े, छोटे भी जहां तहां उस पे चिल्ला देते। इस रोज रोज के झगड़े से बेहतर है कि हम अलग ही हो जाए। बेहतर कैसे वरुण? अपने मम्मी पापा से दूर रहना आपके लिए कैसे बेहतर है वरुण? कैसे? माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। इस घर की शांति के लिए यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। हमें पता था कि जैसे ही वरुण जी बाहर जाएंगे, दो मिनट में धड़धड़ाते हुए आप अंदर आएंगे। कहिए, क्यों कर रही है तू ये सब कीर्ति? क्या मिल रहा है तुझे ये सब करके? देख कीर्ति, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन परिवार वाले मिलकर उस झगड़े को सुलझाते हैं। कोई ऐसे घर छोड़कर नहीं जाता है। आपको उनका दर्द दिख रहा है, पर हमारा नहीं। आपकी सगी बहन को इस माहौल में रहने में कितनी परेशानी हो रही है वो नहीं समझ आ रहा आपको? अरे दीदू, इनका और हमारा कोई तालमेल ही नहीं है। तो किसी तो मुझ पे भरोसा करना, मैं बात करूंगी सबसे, मैं समझाऊंगी इन लोगों को, लेकिन प्लीज ऐसे ऐसे घर तोड़ के मत जा। दीदू, हर चीज में बीच में आके आप सबको ठीक नहीं कर सकती। और हम पहले है क्या जो घर तोड़े? इसी घर में आप और हम अलग अलग रहते हैं। आप ऊपर रहती, हम नीचे रहते, क्यों? क्या इन्होंने घर नहीं तोड़ा? क्या इसे बंटवारा नहीं कहते? लेकिन छत तो एक ही कहलाएगी ना कीर्ति। हमारा फैसला नहीं बदलेगा, बस। कीर्ति प्लीज एक बार बात, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो बाहर ये तमाशा चल रहा है ना, हम बहुत थक गए हैं दीदू। आप प्लीज यहां से जाइए, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आपकी बेटी कीर्ति की वजह से हर रोज यहां पे तमाशे हो रहे। यही परवरिश दी है आप लोगों ने? एक माँ को अपने बेटे से अलग करना सिखाया आपने अपनी बेटी को? ये तो वरुण है जो पूरा दिन स्वीटू 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 करता रहता है। हम तो शुरू में ही समझ गए थे कि कलेश का दूसरा नाम है कीर्ति। भाभी, आपको याद है शादी वाले दिन यहीं पर इसी जगह उसके पैरों की उल्टी छाप हुई? भाभी, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। आपकी बहू ने पैर की छाप उल्टी दिशा में बना दी। तभी हम समझ गए थे, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए। बार बार वो गलती करती रही और बार बार आप लोग उसे माफ करते रहे। देखिए, आखिरी कांड कर दिया इनकी लाडली ने।
एक बेटी को सारे संस्कार दिए, दूसरी को देना ही भूल गए। मम्मी, शत्ता, क्या दिन देखने पड़ रहे होंगे? कहाँ कमी रह गई हमारे प्यार में, हमारी परवरिश में? बताओ शत्ता, हमारी क्या गलती है शत्ता? उन दोनों के लिए क्यों आंसू बहा रही है? कीर्ति नहीं बदलेगी, ये मुझे पता था। और वरुण, वरुण कीर्ति के प्यार में इतना बदल जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और उनका फैसला पत्थर की लकीर होता है। कुछ भी कर लो, वो नहीं बदलेगा। माता रानी, जब से मैंने इस घर में कदम रखा है, तब से मैंने इस परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दिया है। मैं चाहकर भी ना अपनों के लिए सही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए माता रानी, मैं ऐसा क्या करूँ? कीर्ति अपना फैसला बदल ले, मुझे रास्ता दिखाइए माता रानी, मैं क्या करूँ? माता रानी, मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। अब सच ही समस्या का हल है। श्रद्धा, मैंने कीर्ति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। तो तुम ही बताओ, बताओ मैं क्या करूं? आपको कीर्ति को समझाना पड़ेगा वरुण जी। श्रद्धा, कीर्ति ने अपना फैसला ले लिया है, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसने सही फैसला लिया। इस घर के लिए वही सही रहेगा कि हम इस घर से अलग हो जाएं। अब यही सच्चाई, और हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। भाई साहब, भाभी जी, कीर्ति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये तो भैया और भाभी है जिन्होंने हर गलती पर कीर्ति को माफ कर दिया, और देखिए आपकी बेटी तो अब घर तोड़ने पर आ गई। हमने ऐसा कौन सा दुख दे दिया जो कीर्ति ऐसा कह रही है? तो फिर एक और सच के साथ कीर्ति को जीने दीजिए। वही सच जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था, वही सच जिसे जानने के बाद मैं डर गई थी कि कहीं ये सबके सामने आ गया तो पूरा परिवार ना बिखर जाए। लेकिन अब
अब अगर आपको घर टूटने से कोई आपत्ति नहीं है तो फिर पूरा सच सामने आने देते हैं। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता, विनती करता हूं तुमसे, प्लीज इस सच को सामने मत लाओ। ना मेरी जिंदगी, मेरा पूरा परिवार, सब कुछ खत्म हो जाएगा शंतु, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अभी जो ये आप घर छोड़कर जा रहे हैं, उससे ये परिवार खत्म नहीं होगा। वरुण जी, आपने सोचा है ताऊ जी और ताई जी पर क्या बीतेगी? या तो आप कीर्ति को रोकिए, वरना इस सच का फैसला भी कीर्ति को लेने दीजिए। रुको श्रद्धा, ये अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक है। अरे वरुण जी, आप आ गए, इधर आइए ना। अरे आइए ना, बैठिए। ये देखिए कैसा है ये कलर, ना हम दीवार पे करेंगे और हम सोफा भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा है, और बेड तो हम दिखाना ही भूल गए। एक मिनट, बेड भी सेलेक्ट कर लिया है हमने। हाँ ये अच्छा है ना। क्या बात है कीर्ति, अभी हम घर से निकले भी नहीं है और तुमने नए घर की दीवारों के लिए कलर सेलेक्ट करने शुरू कर दी। कीर्ति, अब हम आपके स्वीटू नहीं रहे क्या? और क्यों ना चुने हम कलर, नए घर में जाना है, नई शुरुआत करनी है, बस अब इस जेल से हमें निकलना है। या तो आप कीर्ति को रोकिए, वरना इस सच का फैसला भी कीर्ति को लेने दीजिए। वरुण जी, अरे बताइए ना, देखिए ये अच्छा लग रहा है, और भी ऑप्शंस हैं। हम आपको 2 मिनट, तुम जानती हो इस घर की हर दीवार से मेरी ना जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो पहला गिफ्ट जो पापा ने मुझे दिया था, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखा है। ये ट्रॉफी मुझे तब मिली थी जब मैं रेस में फर्स्ट आया था। मम्मी इतनी खुश हुई, इतनी खुशी से झूम उठी कि हर पड़ोसी के घर में जाके ये ट्रॉफी दिखाई और सबको मिठाई खिलाई। और ये घड़ी मुझे चाचू ने गिफ्ट की थी जब मेरा कॉलेज में दाखिला हुआ था तब। और ये फुटबॉल, इस फुटबॉल से मेरी न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई। वरुण जी, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। कीर्ति, मैं ये घर, मेरा परिवार छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जो भी हूं इनसे ही उनसे नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं आप, क्या हो गया आपको? मुझे समझने की कोशिश करो कीर्ति, प्लीज। वरुण जी, 2 मिनट पहले
आप तो मान गए थे, तब आपको याद नहीं आया ये गिफ्ट, ये आपका ट्रॉफी, ये फुटबॉल। अब क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने वो सब कहा, लेकिन अब मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, हम नहीं आए अपनी मम्मी पापा को छोड़ के? ओह, ये तो समाज का नियम है ना, हमें को करना ही पड़ेगा। अरे हमारे मम्मी पापा के साथ तो कोई भी नहीं है, पर आपकी मम्मी पापा के साथ उनका भाई, उनका पूरा परिवार है। लेकिन उनका बेटा तो नहीं होगा ना, उनका इकलौता बेटा। वरुण जी, आपको जो लगता है वो लगे, पर हम ये घर छोड़कर जाएंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है बस। जल्दी चल, तेरी वजह हमेशा यार मैं बुक से नहीं मिली थी, मैं कब से ढूंढ रही थी, अब जाके मिली है। यार मुझे ना कल की वजह से ताईजी ताऊ जी की बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद से पता नहीं क्या हाल होगा उनका। बहुत बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। श्रद्धा तुमने नाश्ता, अरे अरे ये श्रद्धा कहाँ है, देखा उसे तुम लोगों ने? अरे आंटी जी, आप तो अपनी बहू को ऐसी आवाज दे रही हैं जैसे कि वो घर पर ही हो। सोनिया, तुम्हें सीधे बात करने में तकलीफ होती है क्या? आंटी जी, आज ना श्रद्धा आपकी बहू नहीं बल्कि कीर्ति की बहन है, मैंने अभी उसको नीचे देखा है। नीचे हो भी देखते हैं उसको। ताई जी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कीर्ति आ जा, नाश्ता कर ले, आज हर चीज तेरे पसंद की बनाई है, तू रह नहीं पाएगी बिना खाए। हमें भूख नहीं लगी है, हमें कुछ नहीं खाना। अरे एक बार चल के देख तो ले, तू डिसाइड ही नहीं कर पाएगी कि पहले ये खाएगी या फिर ये। कल कितना कुछ सुनाया कीर्ति ने श्रद्धा को, लेकिन श्रद्धा को देखिए हमेशा परिवार और रिश्तों को जोड़ने में लगी रहती है। अभी आप ठीक कह रही है, श्रद्धा की कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन हमें सिर्फ एक बात का डर लग रहा है, अगर तनु भाभी ने ये देख लिया और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो पता नहीं वो गुस्से में क्या करेगी, रिश्ते सुधरने की जगह और ज्यादा ना बिगड़ जाए। ऐसे कीर्ति आज तो समझ लेना कि आज का दिन तेरा ही है, ताई जी और बुआ जी तुझे बाजार लेकर जा रहे हैं शॉपिंग कराने, आजा 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 नाश्ता कर ले। सब कुछ तेरे पसंद की बनाई है, ये पहले पूरी खा। खा शुरू तो कर। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या दीदू? एक बात आपको हजार बार बोलनी पड़ती है, हमने बोला ना हमें नहीं खाना, नहीं है भूख। कीर्ति तू कल के गुस्से को अभी भी अपने नाक पर बिठाए रखी है ना? जानती है ताई जी, बचपन में जब कीर्ति गुस्सा होती थी और अपने गुस्से में नाक से कुड़ के बैठ जाती थी तो मेरे ही हाथ से खाना खाकर मुस्कुराती थी। चल खा, गरम गरम है। नहीं खाना है हमें। कोई बात नहीं सुननी हमें आपकी। ये कितनी इतने गुस्से में रही है, आ जा खाना खा ले बैठ। तुम्हें बहुत शौक है ना नौकरानी की जगह लेने की, तो फिर एक काम क्यों नहीं करती, उसकी जगह पूरी तरह से ले लो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे पर श्रद्धा को भी तो समझना चाहिए कि ये उसका घर है। और ऐसे समझाएंगी आप, उसमें झाड़ू पोछा फेंक के, आज गलती आपकी है और अगली बार अगर आपने ऐसा कुछ किया तो अब है।